इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां केजीएमयू के डॉक्टर सड़कों पर उतर आए हैं। कोलकाता रेप केस को लेकर अब डॉक्टर का सड़कों पर प्रदर्शन, ये बड़ी खबर लखनऊ से, जहां कोलकाता रेप मर्डर पे डॉक्टर अब सड़क पे उतर आए हैं। अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं ये सभी डॉक्टर। केजीएमयू से बाहर आकर सड़कों पर निकाला मार्च। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां केजीएमयू के डॉक्टर अब सड़क पे उतर आए हैं। सभी डॉक्टरों ने विधानसभा की ओर मार्च किया। वी वांट जस्टिस के नारों के साथ डॉक्टर उतरे सड़कों पर। केजीएमयू के डॉक्टर अब सड़कों पर उतर आए हैं। नो सेफ्टी नो ड्यूटी के पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे डॉक्टर। उनका कहना, वी वांट जस्टिस, ये बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां केजीएमयू के डॉक्टर अब सड़कों पर उतर आए हैं। कोलकाता रेप केस को लेकर डॉक्टरों ने अब सड़कों पर प्रदर्शन करना चालू कर दिया है। ये बड़ी अपडेट लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। असलहे के दम पर हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा। ऑटो में बैठ सवारी से हुई थी लूट की वारदात। असलहे की नोक पर पदिया था लूट को, असलहे की नोक पर लूट की अंजाम को दिया था अंजाम। ऑटो को सुनसान जगह पर ले जाकर वारदात को दिया अंजाम। डीसीपी पूर्व शशांक सिंह होंगे मीडिया से रूबरू। ये बड़ी अपडेट लखनऊ से आ रही है, जहां चिनहट थाना क्षेत्र स्थित देवा रोड का ये मामला था, जहां पे आपको बता दें कि दबंगों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। असलहे के दम पर हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। ऑटो में बैठकर सवारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। आपको बता दें ये बड़ी अपडेट, जहां असलहे की नोक पर लूट की अंजाम को लूट की घटना को अंजाम दिया था। ऑटो को सुनसान जगह पर ले जाकर लूटा कीमती सामान। बड़ी खबर लखनऊ से, जाम लगाने वाले कमर्शियल गाड़ियों पर की जाएगी कार्रवाई। एक दर्जन से अधिक गाड़ियों को किया गया सीज। रास्ते पर जाम लगाने के बाद की जा रही है ये कार्रवाई, जहां सीज गाड़ियों की थाने पर लगी लंबी कतारें। सीज गाड़ियों की लंबी कतारें लगी थाने पर, सड़क जाम का अधिकारियों ने लिया था संज्ञान। जाम लगाने वाले कॉमर्शियल गाड़ियों पर कड़ी कार्रवाई की गई है लखनऊ में। ये बड़ी अपडेट, जहां एक दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को सीज कर दिया गया है। कॉमर्शियल गाड़ियों को एक दर्जन से ज्यादा सीज कर दिया गया है। हमीरपुर से बड़ी खबर, एसएनसीयू वार्ड में नवजात की हुई मौत। ये बड़ी अपडेट, जहां परिजनों ने लगाया डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। नवजात बच्ची की मौत के बाद परिजनों ने लगाया आरोप। नवजात को सांस लेने में हो रही थी दिक्कत, जिसके बाद बच्ची की मौत हो गई। डिलीवरी के बाद जिला अस्पताल किया गया था रेफर। परिजनों का आरोप की लापरवाही की वजह से हुई मौत। स्टाफ पर दुर्व्यवहार और लापरवाही का लगा आरोप। परिजनों ने डीएम से मामले की शिकायत। ये बड़ी अपडेट हमीरपुर से आ रही है, जहां एसएनसीयू वार्ड में एक नवजात बच्ची की मौत हो गई। साथ ही आपको बता दें कि परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है स्टाफ पर। परिजनों का कहना, नवजात को सांस लेने में हो रही थी दिक्कत, जिसके बाद स्टाफ की लापरवाही के बाद ये मामला हुआ। डिलीवरी के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया था सांस लेने की दिक्कत की वजह से। वहां पर स्टाफ पर दुर्व्यवहार और लापरवाही का लगा आरोप। साहब जी, जब हम कल भर्ती किया 11 बजे, तो उसको ना हमको देखने दिया, जो बोल रहे हैं कि अगर नहीं तुम्हारे बस का तो हमारा बच्चा वापस कर दो, हम कहीं भी भर्ती करें। हमको कल से नहीं एक दो बार को जाने दिया। अगर अपनी भाभी को लेके जाते हैं तो उनको भगा देते हैं। तो ये कौन सा तरीका इनका नहीं भर्ती करने का है? तुम्हारे बस का हमारा बच्चा कल शाम के रो रहा था, नहीं तो उसको ये भी नहीं कहा कि आओ अपने बच्चे को दूध पिला दो। बच्चे को लेके आया था, बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, यहाँ पे एडमिट करवाया। एडमिट कराने के दौरान आईसीयू में लगाया गया।
अब बच्चे को दिक्कत क्या है, कौन सा डॉक्टर देख रहा है, वो सूचना हमको नहीं दी गई, ना तो बच्चे को माँ को मिलने दिया जा रहा है। अगर हम उसमें पूछते हैं कि बच्चे क्या दिक्कत है, काहे इलाज हो रहा है, उसमें कौन सी बीमारी है, वो भी सूचना नहीं दी गई, कौन सा डॉक्टर बच्चे को देख रहा है, वो भी हमको नहीं बताया गया। ना तो मरीज को यहाँ पे जमीन में उसको लेटा के रखा गया, बेड भी नहीं दिया। मैंने इसके लिए कहा भी बेड उसके लिए चाहिए, तो बोला यहाँ कोई डिलीवरी नहीं हुई है। पड़ोसी जनपद फतेहपुर की जो है एक सीएससी से कल दोपहर लगभग 11 बजे एक बच्चा लाया गया था, तो जन्म के समय होया नहीं था। हम लोगों की भाषा में उसे वक्त एस्पेक्सिया कहते हैं, और लगभग 30-40% मरीज जो है हमारे यहाँ इसी चीज के भर्ती होते हैं जो जन्म के समय नहीं रोते हैं, और उनको वो किसी सीमा तक जो है गंभीर होते हैं, ज्यादातर बहुत गंभीर होते हैं, और जो 20% बच्चों को बचने की संभावना भी नहीं रहती है, इसका असेसमेंट भी हो जाता है। तो 11 बजे वो आया था, लगभग 3 बजे 3 से 4-5 तक ड्यूटी लगा था डॉक्टर ने, उनके अटेंडेंट को स्थिति को समझा दिया गया था, उनसे लिखवा लिया गया था, और ये कहा गया था कि यदि आप चाहें बल्कि बेहतर होगा कि आप किसी उच्च संस्थान में बच्चे को ले जाएं, तो इस पर उन्होंने मना कर दिया। बच्चे के पिता नहीं थे, मामा थे और माँ थी, मामा अटेंड कर रहे थे, उन्होंने असमर्थता व्यक्त की। फिर उनका जनपद स्तरीय जो भी बेस्ट पॉसिबल यहाँ इलाज संभव था वो सब किया गया। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, आलमबाग डकैती मामले का एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। ये बड़ी अपडेट, जहां 34 साल से फरार चल रहा था आरोपी, जिसको पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। 34 साल का आरोपी था, बताया कि आलमबाग से आरोपी को जीआरपी ने गिरफ्तार किया है। जीआरपी की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ रेलवे पुलिस ने कई कानूनी कार्रवाई की। ये बड़ी अपडेट, जहां अंबाग डकैती मामले का एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि जीआरपी की टीम ने गिरफ्तार किया है, 34 साल से फरार चल रहा था एक मामले में आरोपी, जिसे अब जीआरपी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। कौशाम्बी से बड़ी खबर आपको बता दें, आशा बहुओं ने कलेक्टर पर किया प्रदर्शन। प्रोत्साहन राशि बढ़ाने और कटौती को लेकर किया महिलाओं ने प्रदर्शन। ब्लॉक लेवल के अधिकारियों पर राशि कटौती का लगाया आरोप, जिसके बाद कलेक्ट्रेट ऑफिस पर पहुंचकर किया प्रदर्शन। राशि कटौती को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। ये बड़ी अपडेट, जहां आशा बहुओं को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की कर रहे मांग, जिसके लिए कलेक्ट्रेट ऑफिस में प्रदर्शन किया। मांग पूरी न होने पर विशाल धरना प्रदर्शन की भी दी चेतावनी। ये बड़ी अपडेट आपको दिखा रहे कौशाम्बी से, जहां आशा बहुओं ने कलेक्ट्रेट पर जाकर धरना प्रदर्शन किया है। प्रोत्साहन राशि बढ़ाने और कटौती को लेकर ये प्रदर्शन किया गया है आशा बहुओं के द्वारा। उनकी मांग की ब्लॉक लेवल के अधिकारियों पर राशि कटौती का आरोप लगाया है आशा बहुओं ने, जिसके बाद प्रदर्शन किया। राशि कटौती को लेकर जिलाधिकारी को आशा बहुओं ने ज्ञापन भी सौंपा। उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन की मंडल अध्यक्ष रेखा मौर्य हूँ। हम यहाँ इसलिए आए हैं कि हमारे समस्त आशा बहनें इस समय इतना परेशान हो चुकी हैं, सरकार के जो के द्वारा जो हम लोगों से खैराती कार्य कराए जा रहे हैं, जिनका कोई प्रोत्साहन राशि नहीं है और ना ही उनका कोई वेतन है। और दूसरी बात, हमारे ब्लॉक लेवल से जो हमारी बहनें बहुत पीड़ित हो चुकी हैं, उनकी प्रोत्साहन राशि में पहले तो कटौती हो जा रही है, और दूसरी बात उसमें से भी जो 2,000-2,500 रुपए उनको दिया जाता है, उसमें से भी हमारे ब्लॉक लेवल के अधिकारी गण उसमें से वसूली करते हैं। इसी के विरोध में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, और सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं कि सरकार हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दे, और हम आशा बहनों को जो टुकड़े में दे रही है इसको ना दे करके एकमुश्त राशि प्रदान करे। बड़ी खबर हमीरपुर से आ रही है, जहां प्रदेश उपाध्यक्ष मानवेंद्र सिंह पहुंचे हमीरपुर। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर कार्यक्रम में हुए शामिल। ये बड़ी अपडेट हमीरपुर से आ रही है, जहां कार्यक्रम का आयोजन हुआ। देश विभाजन की यादों को लेकर हुए भाव विभोर। भाजपा जिला अध्यक्ष समेत सैकड़ों कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में रहे उपस्थित। सभी हुए भाव विभोर। बता दें कि जिला मुख्यालय के वरदान रेजिडेंस में हुआ ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें
प्रदेश उपाध्यक्ष मानवेंद्र सिंह पहुंचे। ये बड़ी अपडेट हमीरपुर से, जहां मानवेंद्र सिंह पहुंचे विभाजिका विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।